बच्चा हो चुका था? यस सर। इनकी माता जी, इनकी चाची है ना, इनके बारे में हम एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? भीमराव रामजी अंबेडकर है ना। इनके पिताजी कौन थे? रामजी। इनके पिताजी का नाम क्या था बेटा? रामजी अंबेडकर। इनके पिताजी का नाम क्या था? रामजी अंबेडकर, है ना। और माताजी? भीमाबाई। माताजी? भीमाबाई। भीमाबाई, है ना। और चाची? मीराबाई। चाची? मीराबाई। इनकी माता जी के देहांत के बाद इनका पालन पोषण किसने किया था? चाची जी ने। इनकी चाची जी ने, ठीक है। इनका पालन पोषण किसने किया था? चाची जी ने। चाची मीराबाई ने, ठीक है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1891। तो अब आ जाते हैं चैप्टर में। शाम का समय है, कौन सा समय है बेटा? शाम का समय, सूरज डूबने मतलब जस्ट पहले, है ना, सूर्यास्त के जस्ट पहले। कौन सा कलर का दिखाई देता है? ऑरेंज कलर का, लाल है ना, रेड ऑरेंज कलर का। तो उस समय की बात है, पक्षी अपने घोंसलों में वापस लौट रहे हैं। पक्षी अपने घोंसलों में वापस लौट रहे हैं चहचहाते हुए। और पेड़ के नीचे एक युवक, वो युवक कौन है? बाबा अंबेडकर, ठीक है। बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, और कह रहे हैं कि किसने बनाई यह छुआछूत की लड़ाई, है ना। नहीं, किसने बनाई है छुआछूत की परंपरा, है ना, या प्रथा? ये प्रथा नहीं है, ये तरह से कुप्रथा है। क्या है बेटा ये? कुप्रथा। क्या है ये? कुप्रथा, ठीक है। तो शाम का समय है, कौन सा समय है? शाम का समय है ना। पश्चिम में सूरज की लालिमा छाई हुई है और पंछी अपने घोंसलों में लौट रहे हैं, ठीक है। और उसी समय पेड़ के नीचे एक युवक रो रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि किसने बनाई यह छुआछूत की परंपरा, ठीक है ना, किसने बनाई यह छुआछूत की व्यवस्था, ठीक है। यस सर। और उन्होंने उसी समय क्या किया? मन ही मन प्रण किया कि मैं यह व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। क्या करूंगा बेटा? व्यवस्था लड़ूंगा। अब बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के महूनगर। मध्य प्रदेश के कहाँ पर बेटा? महूनगर में, ठीक है। इनके जन्म के 5 साल बाद इनकी मम्मी का क्या हो गया? इनकी माता जी का देहावसान हो गया, या देहांत हो गया, या निधन हो गया, ठीक है, ठीक है। यस सर। इतना तक में सब क्लियर? यस सर, ठीक है। महूनगर में हुआ इनका जन्म, हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे बड़े हुए और ये कहाँ गए? महाराष्ट्र में इनके पिताजी का पोस्टिंग हुआ। महाराष्ट्र में इनके पिताजी का क्या हुआ बेटा? पोस्टिंग, है ना। उनको अपने क्या बोलते हैं जॉब के संदर्भ में कहाँ जाना पड़ा? महाराष्ट्र, ठीक है। वहाँ एक स्कूल में वो पढ़ने गए। कौन से स्कूल में? मराठी स्कूल में। कैसे स्कूल में बेटा? मराठी। एक मराठी स्कूल में वो पढ़ने गए। उनकी रुचि कौन से सब्जेक्ट में थी? संस्कृत। उनकी रुचियां, उनका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में था? संस्कृत सब्जेक्ट में। कौन से सब्जेक्ट में था बेटा? संस्कृत। लेकिन उनको पढ़ना क्या पड़ा? फारसी। क्या पढ़ा वो? फारसी। क्या पढ़ना पड़ा बेटा? फारसी। कारण संस्कृत के शिक्षक ने उनको पढ़ाने से मना कर दिया।
उनको कक्षा में भी सबसे अलग दिखाया जाता था। उनको कक्षा में भी क्या किया जाता था? सबसे अलग अलग दिखाया जाता था। क्यों बेटा? क्योंकि उस समय उनकी जो जाति थी वो निम्न जाति में आती थी, है ना? वो अछूत कहलाते थे उस समय। वो क्या कहलाते थे बेटा? अछूत। उनकी जाति अछूतों में आती थी, है ना? ठीक है, उस समय की बात कर रहा हूँ, आज नहीं, है ना? ठीक है, ये समझ रहे हैं ना? आज के डेट में कोई भी छूत अछूत नहीं है, है ना? आज संविधान के सामने सब लोग बराबर हैं, कानून के सामने भी सब लोग बराबर हैं, ठीक? हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। ये धीरे धीरे पढ़ाई में बहुत होशियार थे, ये धीरे धीरे पढ़ते गए, धीरे धीरे क्या करते गए? पढ़ते गए, ठीक है। लेकिन 1905 में उनकी क्या हो गई बेटा? देहांत। शादी। 1905 में उनकी क्या हो गई? शादी। शादी, है ना? इसी को क्या बोलते हैं? विवाह। विवाह, है ना? इसी को क्या बोलते हैं? विवाह। बताओ किनके साथ उनका विवाह हुआ? उनका विवाह किनके साथ हुआ? रामाबाई। किसके साथ विवाह हुआ? रामाबाई। रामाबाई। किसके साथ उनका विवाह हुआ? रामाबाई। देखो सिंपल सी बात समझा रहे हैं। उनका नाम क्या है बेटा? भीमराव। राम जी अम्बेडकर, ठीक है। राम जी उनके पिताजी का नाम था, रामाबाई उनके वाइफ का, वाइफ का नाम था, भीमाबाई उनकी मम्मी का नाम था, मीराबाई उनकी चाची का नाम था, भीमाबाई कौन थी? उनकी माता। और मीराबाई उनकी चाची। चाची, ठीक है, ठीक। यस सर। इधर इधर ध्यान दो, ठीक है। 1905 में उनकी क्या हो गई? शादी। लेकिन शादी के बाद उनको उनके पिता के साथ कहाँ जाना पड़ा? मुंबई। उनके पिताजी उनको कहाँ लेके चले गए बेटा? मुंबई। मुंबई। उनके पिताजी उनको कहाँ लेके चले गए? मुंबई। मुंबई, ठीक है। उस समय मुंबई क्या थी? उस समय मुंबई क्या थी? बॉम्बे सुने हो? यस सर। है ना? और एक शब्द सुनो, बम्बई। यस सर। और एक शब्द क्या बोलते हैं बेटा? बम्बई। बम्बई, ठीक है। पहले मुंबई को ही क्या कहते थे? बम्बई। बॉम्बे, ठीक। यस सर, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो वहाँ उन्हें एक स्कूल में पढ़ने मिला, मुंबई में उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लिया। मुंबई में उन्होंने एक स्कूल में क्या लिया बेटा? एडमिशन। उस स्कूल का नाम क्या था? एल यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता था, यहाँ पर उनको कोई भी छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ा, यहाँ पर उनको कहीं पर भी छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ा। इन्होंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी की, इन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ पर अच्छे से पूरी की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मैट्रिक कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया बेटा? मैट्रिक। पहले मैट्रिक, तो मैट्रिक मतलब क्या होता है? टेंथ। मैट्रिक मतलब क्या होता है बेटा? टेंथ। टेंथ पास किया। सामाजिक भाषा में आजकल के क्या बोलते हैं तुम्हारे शिक्षा पद्धति के हिसाब से समझाओ तो मैट्रिक मतलब क्या पास किया इन्होंने? टेंथ पास, है ना? उस समय किसी अछूत जाति से मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी बात है ना, पूरा उत्सव की तरह इसको मनाया गया। उन्होंने क्या किया बेटा? टेंथ पास। इसी को क्या लिखा है यहाँ पर? मैट्रिक। मैट्रिक पास किया उन्होंने। कहाँ से, कौन से स्कूल से मैट्रिक पास किया? एल्फिंस्टन स्कूल से। कहाँ से मैट्रिक पास किया बेटा? एल्फिंस्टन स्कूल से, ठीक है। इसी के बाद वो कहाँ भर्ती हो गए? एल्फिंस्टन कॉलेज में, है ना? इसी के बाद वो कहाँ भर्ती हो गए बेटा?
क्या की डिग्री ली? बीए। बीए। इनके कॉलेज का नाम क्या था बेटा? एल्फिंस्टन। इनका कॉलेज क्या था? एल्फिंस्टन। एक बार फिर से बोलो। एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन कॉलेज है ना, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी? एल्फिंस्टन कॉलेज। यहाँ से क्या पास किया इन्होंने? बीए। यहाँ से क्या पास किया उन्होंने? बीए। तो उस समय सोचो जब उस अछूत जाति से टेंथ पास करना इतना अचीवमेंट माना जाता था, तो उन्होंने क्या पास किया है वहीं से? बीए। तो और कितना बड़ा जश्न मनाया गया होगा? हाँ, और कितना बड़ा जश्न मनाया गया होगा है ना? उनको उनके इसी पढ़ाई लिखाई को देख के उस समय एक राजा थे, उस समय कौन थे बेटा? एक राजा है ना, सयाजीराव गायक ₹25 per month। उस समय का 25 रुपए बहुत होता था बेटा। यस सर। जब 25 रुपए बहुत था, ठीक है? आजकल 25 रुपए में तुम लोग का चॉकलेट आते हैं। यस सर। 5 रुपए 1 रुपए में भी आता है, पर 25 रुपए में मोस्टली तुम लोग एक कॉफी खरीदोगे तो 25 रुपए खत्म। एक कॉफी खरीदोगे तो 25 रुपए क्या हो जाता था? खत्म। ठीक है, तो उस समय 25 रुपए आज के लिए लगभग कुछ 5000 के आसपास होंगे, 25 से 5000 के आसपास, ठीक है? तो उनको मंथली इतना का क्या मिला बेटा? स्कॉलरशिप। या स्कॉलरशिप है ना। उसके बाद उन्होंने जब पढ़ाई कर ली तो राजा ने ही बड़ौदा में अपने दरबार में उनको क्या दी? नौकरी। उन्होंने उनको क्या दी बेटा? नौकरी। क्या दी? नौकरी। लेकिन वहाँ दरबार में उनको स्कूल या कॉलेज में छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ा था, पर क्या हुआ बेटा? इनको दरबार में वापस से उसी चीज का सामना करना पड़ा। किस चीज का? छुआछूत का। किस चीज का सामना करना पड़ा? छुआछूत का। ठीक है, इससे तंग आकर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। इससे तंग आकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसी साल क्या हुआ बेटा? उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, ठीक है? फिर उन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोची। उन्होंने कहाँ जाकर पढ़ाई करने की सोची बेटा? विदेश है ना। और उसमें उनकी मदद कौन की? किसने की? राजा ने। किसने की बेटा? राजा ने उनकी मदद की। सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी मदद की। और वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए बेटा? कोलंबिया। हाँ, कोलंबिया। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? यूएस। कोलंबिया अमेरिका का एक प्रांत है। ये कोलंबिया क्या है बेटा? अमेरिका का एक प्रांत है। उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ चले गए? कोलंबिया, ठीक है? और वहाँ कितने साल रहे? वहाँ कितने साल रहे? दो साल। एक वर्ष बेटा। कितने साल रहे? एक वर्ष, ठीक है? कितने साल रहे? एक वर्ष, ठीक है? उसके बाद कहाँ वापस लौट आए? मुंबई। उसके बाद कहाँ वापस लौट आए? मुंबई, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने वापस एक नौकरी ज्वाइन की। उन्होंने उसके बाद वापस एक नौकरी ज्वाइन की, ठीक है? पर
है ना, इस समय नौकरी उससे बड़ी थी, इस समय वो कौन से पद पर थे, सचिव के पद पर। इस समय कौन से पद पर थे बेटा, सचिव के पद पर, ठीक है। लेकिन उन्हें ये नौकरी भी छोड़नी पड़ी, उन्हें ये नौकरी भी क्या करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी, छुआछूत के कारण ही। हाँ, छुआछूत के कारण ही उन्हें ये नौकरी भी छोड़नी पड़ी। समझ गए, समझे। फिर उन्होंने फिर वापस उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए, वो लंदन, लंदन, ठीक है। वो लंदन गए थे तब वो बहुत पढ़ते थे, तब वो क्या करते थे, बहुत पढ़ते थे। तो इसी में एक छोटी सी कहानी है कि वे लंदन की एक लाइब्रेरी में जाते थे, वे लंदन की एक लाइब्रेरी में जाते थे, ठीक है। और वो दिन भर पढ़ते थे, वो क्या करते थे, दिन भर पढ़ते थे, है ना। उनके लिए ऐसा कहा जाता है भाई, ऐसा कहा जाता है कि उनके लिए 18 घंटे पढ़ना एक मामूली बात है। सर 18 आवर्स, 18 आवर्स पर डे, 18 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स, 18 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स। तो वे कहाँ एक जगह पढ़ने जाते थे, कहाँ पढ़ने जाते थे बेटा, लंदन, ठीक है, लंदन का एक सेंट्रल लाइब्रेरी था, वहाँ वो पढ़ने जाते थे। वहाँ का एक लाइब्रेरियन था, वहाँ पर एक क्या था, लाइब्रेरियन, है ना। लंच के टाइम समय पर वो देखता था कि सारे लोग बाहर निकल जाते थे, लंच के समय पर सारे लोग बाहर निकल जाते थे। क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी में खाना पीना अलाउड नहीं, लाइब्रेरी में खाना अलाउड नहीं। लेकिन भीमराव अम्बेडकर लंच के टाइम पर भी वहीं बैठे रहते थे, भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब हमारे लंच के टाइम पर भी कहाँ बैठे रहते थे, वहीं बैठे रहते थे, ठीक है। वो जो कितना स्ट्रगल किए हैं, कारण क्या था पता है, उनके लंच के टाइम पर बाहर नहीं निकलने का, उनके लंच के टाइम पर भी बाहर नहीं निकलने का कारण ये था कि वे लंच अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वे लंच अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। वो ब्रेड लाते थे पॉकेट में, या डोनट, है ना, या कुछ भी ऐसी चीज जो उनके पॉकेट में आसानी से आ जाए छोटी सी, और वो उसी को चुपचाप ऐसे सर नीचे करके खा लेते थे और पानी पी लेते थे, ठीक है। एक दिन लाइब्रेरियन ने उनको क्या किया, पकड़ लिया। एक दिन लाइब्रेरियन ने क्या हुआ, उनको पकड़ लिया, और उन्होंने कहा कि आज से तुम लाइब्रेरी में नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि तुमने रूल तोड़ा है, तुमने क्या तोड़ा है, रूल तोड़ा। तब भीमराव अम्बेडकर ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तब लाइब्रेरियन को ऐसा लगा कि नहीं, एक बार कारण पूछना चाहिए, एक बार क्या पूछना चाहिए, कारण। जब उन्होंने पूछा तब अम्बेडकर ने बताया कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। तब लाइब्रेरियन ने उन्होंने तब लाइब्रेरियन ने क्या कहा पता है, तो ठीक है, आज के बाद तुम एक ही कंडीशन पर इस लाइब्रेरी में एंटर करोगे, इस कंडीशन पर कि आज से लंच तुम मेरे साथ करो, आज से लंच तुम मेरे साथ करोगे। तो इसी तरह भीमराव अम्बेडकर पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, धीरे 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 क्या हुआ, उनका नॉलेज बढ़ते गया, और एक समय पर एक अछूत, है ना, एक अछूत जाति में पैदा हुआ लड़का, है ना, एक अछूत जाति में पैदा हुआ लड़का भारत का संविधान बनाने में सबसे प्रमुख रोल अदा किया है। तो पढ़ाई लिखाई से क्या कुछ नहीं हो सकता, समझ गए, है ना। तो बेटा पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, तुमको पढ़ाई लिखाई के साथ क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर समझदारी विकसित करनी पड़ेगी। सोचो उनकी शादी कौन से साल में हो गई थी, 1905 में, उनका जन्म कब हुआ था, 1891 में, सिर्फ 14 साल की उम्र में, उनका शादी हो गया था केवल 14 साल की उम्र में, केवल और केवल 14 साल की उम्र में। 5 साल में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, 5 साल में उन्होंने क्या खो दिया था, अपनी माँ को, 1916 में उन्होंने अपने पापा को खो दिया,
अपने पिताजी को। और ऐसा शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं, है ना, मैंने पढ़ा था एक जगह 1916 में लगभग इन्होंने किसको खो दिया था, अपने पिताजी। तो मान के चलो वो कितने साल में, जब 25 साल के थे तब उन्होंने अपने पिताजी को भी खो दिया, ठीक है। और इनकी पत्नी इनका, है ना, इनका उम्र जब शादी हुआ था वो कितने पता है, 9 वर्ष। तो उस समय ये बाल विवाह बहुत ही आम था, उस समय इसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं था, उस समय इसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं था। अब ये कानून बन चुका, अब क्या बन चुका है बेटा, कानून, है ना। लड़कियों के लिए भी अब 21 साल हो गया, और लड़कों के लिए, लड़कों के लिए 21 साल था ही, लड़कियों के लिए भी अब इस साल से 21 साल हो गया, ठीक है, समझ गए, ठीक है, समझ गए।